खुशी बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि वो एक नौजवान होते हुए और उन्होंने इतना हमारे बहुजन समाज के लिए किया और क्रांतिकारी कदम उठाया और हम उन्हीं से प्रेरित होकर के आगे इतना खुश हुए। और जब वो जेल के अंदर थे तो हम लोगों ने उनके ही विचारों से और उनकी उस जागरूकता को देखते हुए हमारे बहुजन समाज के लिए और हम जंतर मंतर पर भी बड़ी तादाद में वहाँ पहुँचे, उनकी आज़ादी के लिए हमने काफ़ी प्रयत्न किया और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं हम एकत्रित हुई कि हमारे उनको आज़ाद किया जाए, उनका कोई गुनाह नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फिर भी उसके बावजूद उन्हें क्यों इन्होंने जो बंद किया हुआ है। तो आतंकवादी होता है उसे तो पकड़ते नहीं हैं, लेकिन एक अच्छे खासी जो हमारे क्रांतिकारी थे तो उनको क्यों इन्होंने बिना वजह के बंद किया हुआ है। तो उसके विरोध में हम लोगों ने जंतर मंतर पर भी 19 तारीख को प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से अब हमें थोड़ा सा रिजल्ट ये सामने आया कि चलो कुछ तो सरकार ने सोचा और हमारे उनको आज़ाद किया, चंद्रशेखर आज़ाद जी को। और मैं उनकी माता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो हमारे बहुजन समाज में आगे बढ़ कर के जागरूकता के द्वारा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। और पुरुषों को ही नहीं, हम महिलाएं भी आगे आ रहे हैं। विमलेश जी, बहुत अच्छी बात कही कि आप उनकी माता जी को सल्यूट कर रही हैं, प्रणाम कर रही हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐसा क्या काम कर दिया, अभी नया नौजवान व्यक्ति है, नौजवान युवा है और सभी लोग एक उससे आस लगाए बैठे हैं, तो क्या ऐसा काम कर दिया चंद्रशेखर आज़ाद ने जो उसकी सभी तारीफ कर रहे हैं और रिहा होने सभी लोग खुशी मना रहे हैं। एक तो वो आज की पीढ़ी के नौजवान और नौजवान होने के साथ साथ वो क्रांतिकारी भी हैं और हमारी बहुजन महिलाओं को जागरूक करने के लिए, पुरुषों को जागरूक करने के लिए, और उन्होंने इतने स्कूल भी बनवाए बच्चों को पढ़ने के लिए और उनको जब वो पढ़ाई करेंगे तो आगे संविधान तक तभी पहुंच पाएंगे, संविधान के द्वारा उसे पढ़ेंगे और फिर वो संसद तक भी पहुंचेंगे। तो उन्होंने स्कूल भी खुलवाए, उनको शिक्षा के लिए काफ़ी प्रोत्साहन दिया कि जिससे वो जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, वो पढ़ लिख करके आगे आए और हमारे बहुजन समाज को जो मनवादी लोग इतने अत्याचार करते हैं, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं और बैठे बैठे इतना शोषण करते हैं, जो थोड़े बहुत भी हमारे जिनको आरक्षण के द्वारा जॉब भी मिली थी तो उनके साथ भी व्यवहार बहुत गंदा कर रहे हैं ये। और जी विवेक जी, डॉक्टर विवेक हैं, उनके साथ भी बहुत गलत हो रहा है। तो ऐसी सब चीज़ों को देखते हुए हमें चंद्रशेखर जी ही नज़र आते हैं कि उनके जो कार्य थे वो इतने अच्छे थे और इतने उन्होंने जो आगे जागरूकता बढ़ाई और हम लोग सब उन्हीं के उससे आगे बढ़ के आज उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे, या उनको अंदर देख करके लगा कि हमारा कोई अपना छिन रहा है, तो उसके प्रदर्शन के लिए हम जंतर मंतर पे भी गए और हमने ये भी कहा कि हम अगर ज़रूरत पड़ी तो हर गली मोहल्ले को भी जंतर मंतर बना के दिखा देंगे अगर उनको जल्दी से रिहा नहीं किया गया तो।